दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये Redmi लवर के लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे Redmi के एक बिल्कुल ही न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है Redmi Note 9 Pro। और आपको तो ये बात पता ही है कि Redmi का जो Note सीरीज़ होता है ये आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेलफॉनी फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो इसी सीरीज़ का Redmi Note 9 Pro जो कि हाल ही में लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आज हम बात करेंगे, और इसी फ़ोन की स्पेक्स लीक होके आ चुका है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करूँ इस फ़ोन की डिस्प्ले डिज़ाइन बिल्ड कॉल से शुरुआत कर लेते हैं। तो इस बार जो आपको इसमें जो बिल्ड क्वालिटी देखने लगा, इस बार आपको एक ग्लास बॉडी देखने मिला है रेयर में, और उसके साथ ही ये जो आपको ग्लास बॉडी देखने लगा उसके साथ ही ड्यूअल कलर ग्रेडियंट, और उसके साथ ही 4 रेयर कैमरे की कटआउट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। बात करूँ इस फ़ोन की फ्रंट लुक की, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाली है, क्योंकि इस बार आपको ड्यूअल पंच होल आपको फ्रंट कैमरा आपको देखने लगा, और उसके साथ ही इस बार जो आपको नॉच देखने लगा ये भी आपको बहुत ही कम मिलेगा। यानी कि जो पंच होल डिस्प्ले होगा इसमें भी आपको नॉच बहुत ही कम आपको देखने लगा, और उसके साथ ही इसका जो बेजल होगा ये भी आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ उसके साथ ही इस फ़ोन की डिस्प्ले साइज़ की, तो इसमें आपको 6.57 इंचेस की आपको एक फुल HD आपको एक डिस्प्ले देखने में लगा, जिसका रेजोल्यूशन आपको फुल HD देखने में लगा। लेकिन इस बार भी आपको IPS LED का ही आपको स्क्रीन देखने लगा, और उसके साथ ही 20:9 की एक्सपेक्ट रेशियो, और उसके साथ ही अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ उसके साथ ही इसकी जो प्रोसेसर है ये कितना आपको अच्छा देखने लगा, और आपको तो ये बात पता ही है कि जो Redmi का जो फ़ोन होता है Redmi Note सीरीज का, इसमें आपको बहुत ही अच्छा वेलफॉनी प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। तो इस बार भी ये जो प्रोसेसर आपको देखने लगा ये आपको MediaTek की तरफ से मीडियो की 800 सीरीज़ की कोई प्रोसेसर होगा, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कौन सा एग्जैक्टली होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करना मत भूलना। लेकिन जो प्रोसेसर आएगा ये आपको 5G के साथ आएगा, और ये जो फ़ोन लॉन्च होगा ये भी 5G के साथ लॉन्च होगा। लेकिन इंडिया में अभी तक 5G नहीं आया, लेकिन देखते हैं कभी इंडिया में 5G आता है। लेकिन ये जो फ़ोन आएगा ये 5G साथ आएगा। बात करूँ उसके साथ ही ये जो प्रोसेसर है इसकी क्लॉक स्पीड आपको अप टू कितना देखने मिलती है, तो इसका अप टू क्लॉक स्पीड आपको 2.2 GHz तक आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ इसकी कैमरा की, और आपको तो पता है कि Redmi का जो कैमरा होता है ये आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिले थे, और इस बार तो आपको 4 रेयर कैमरा आपको देखने मिलेगा, जिनमें से एक होगा 48MP प्लस आपको 13MP प्लस आपको 2MP की आपको 4 रेयर कैमरे की सेटअप देखने लगा, जिनमें से 48 मेन होगा, और आपको 13MP आपको वाइड एंगल आपको देखने लगा, और 2 आपको मोनोक्रोम, और 2 आपको तो पता है कि डेप आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ उसके साथ ही फ्रंट की, जो कि इस बार थोड़ा सा चेंजेस के साथ आपको देखने लगा, क्योंकि इस बार आपको पंच होल के साथ आपको ड्यूअल फ्रंट कैमरा देखने लगा। इस बार आपको 16+2 की आपको ड्यूअल फ्रंट कैमरा मिलेगा, और इस बार आपको फ्रंट में भी आपको डेप सेंसिंग आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ उसके साथ ही इसका बैटरी की, जो कि एक फ़ोन का मेन चीज़ होता है, तो इस बार जो आपको बैटरी देखने मिलेगा इस बार आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग का जो टेक्नोलॉजी है ये आपको थोड़ा सा डिग्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार आपको 18W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलेगा। मैंने 18W फास्ट चार्जिंग को डिग्रेड इसीलिए कहा क्योंकि Realme जो फ़ोन लॉन्च करते हैं उसमें आपको 27W तक का फास्ट चार्जर प्रोवाइड करते हैं 15000 के अंदर वाले फ़ोन में, और इसमें आपको 18W, तो इसीलिए मैंने कहा। बात करूँ उसके साथ इसका प्राइस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका प्राइस 15000 या 16000 के अंदर ये लॉन्च हो सकता है। लेकिन अब से जब इंडिया में जब फ़ोन बिकेगा तो 18% GST के साथ न्यू फ़ोन की जो प्राइजेज है ये तो आ चुका है,
तो इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन अराउंड 18,000 या 16,000 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। बात करें उसके साथ इसका लॉन्च डेट की, तो ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, जब ही इंडिया में लॉकडाउन हटता है और उसके 15 डेज आफ्टर ही ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।